हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। हम भी ठीक है, अभिषेक हम भी ठीक है। और जी तो जनाब, बहुत दो चार दिनों के बाद तकरीबन हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में, क्योंकि हमारा मोबाइल जो था ना, मैंने आपको बताया था कि बस उसका मसला बना हुआ था, वो तो हाल हो गया। मोबाइल तो आ गया है और मेरा मोबाइल मुझे मिल चुका है वापस। और जनाब मैं ये बनाने लगी हूँ दलिया, क्योंकि अतिया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसको मोशन भी हुए हुए हैं। और ये मेरे ख़्याल से फूड पॉइजन का जो है ना, बस बच्चों को कोई बीमारी सी फैली हुई है हर जगह में। हाँ, हर जगह में बच्चों को ये मसला है। और आज उसके उसका था पेपर, टेस्ट पेपर, तो वो भी उसने नहीं दे सका। टीचर को मैंने मैसेज किया था कि मैंने कहा कि वो नहीं आ सकती, क्योंकि कल इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बेचारी ने शाम तक ना वर्दी ही नहीं उतार सकी थी, तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो ये जनाब कल मेरी बहन के घर में ख़त्म था, हम उधर गए थे और ये चावल उसने भेजे थे। एक दो बच्चे दो तीन हमारे नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए ले जाओ। तो ये अभी मालूम कह रही है मुझे गर्म कर दो। और मैं ना बहुत सारे काम इकट्ठे कर रही हूँ आप लोग साथ, मैंने कहा आज थोड़ा थोड़ा शेयर कर लूँ। तो एक मिनट इधर आओ। तो जो मेरी दोस्त देख भी रही होगी शायद मेरी वीडियो, उसको बता होगा कि मैं कितनी मेहनत से, वो नाराज़ भी हो रही होगी, कह रही होगी मेरे कपड़े ना ये जल्दी सिलाई नहीं करती। ये देखे साथ साथ मैंने उनके कपड़े भी सिलाई कर रही हूँ। और ये देखे आधे में पड़े हुए हैं, ये लेस लगाई, कल मैंने कटिंग वगैरह की थी, तो ये मैंने साथ साथ वो भी कर रही हूँ। ये मसाइल है हर किसी के घर में, बर्तन ज़्यादा होते हैं कि मैं ही रोती हूँ कि मेरी फैमिली जो है ना ज़्यादा, इसलिए बर्तन ज़्यादा होते। तो ये बात नहीं होती, बर्तनों को होती है बदवा, मतलब कि हर जगह में जैसे ये बर्तन होते हैं ना, हर वक्त ऐसे बंदे को आप पैसे हो ना क्या ही मज़े हो। तो ये मैं इसके लिए ना चावल गर्म करने लगी हूँ। अच्छा, चने भी बने हुए थे, काले चने, हमने तो कल खाए नहीं, बनाए थे तो फिर हम उधर चले गए थे, वो भी वैसे ही पड़े थे। तो बहुत ही तो इसको ये गरम करके दे रही हूँ। और ये फाइनली दलिया, ये किसान दलिया है, यही बना के दूँ। डॉक्टर कह रहे थे कि नरम गज़ा दें इसको, सख्त चीज़ नहीं देनी, तो अभी डॉक्टर पास लेकर गए थे। तो अभी मैंने कहा ये बना के, कुछ खा भी नहीं रही ना। ये देखे मेरे बर्तन सुबह धोए थे, ये वैसे थोड़े थोड़े करते करते कभी दूध के कभी कौन से, तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं। ये अब इसमें थोड़ा सा पानी में इसको अच्छे से पका लेते, फिर जो है ना इसके अंदर ये दूध ऐड कर देते हैं। पक ही गया है तकरीबन, ये जल्दी ही पक जाता है। और ये मैंने अभिषेक के लिए दूध गर्म किया था, तो उसको फिटर में डाल के गया, आगे से जो बच गया था मैंने कहा दलिया में डाल देती हूँ, ठीक है, गंदम के वो लकड़ियाँ से। उठो ना अतिया, खाओ ना, ये देखो, ये देखे अतिया कुछ खा भी नहीं रही है, मुझे जल्दी में ट्रे नहीं मिली, मैं डिश में ही लाती। अभ्रीशम क्या कर रही? एक मेरी अभ्रीशम जो है ना मज़े में सेट है, बाहर आवाज चल रही थी, फिर मैं डर से इसको भी अंदर ले आई, मैंने कहा ये ना हो ये बीमार हो जाए। जन्नत आ जाओ, ये लो पूरा ख़त्म कर रही, वो नहीं नहीं वो उसका है ना, वो पहले उसकी कोली है ना, वो नहीं लेगी पिंक वाली उसकी, आज जो अच्छा ज्यादा डर, चलो आवाज ज्यादा वाला ले लो आज, बस जन्नत को ना कम चीज नहीं चाहिए, ज्यादा वाली चाहिए, पूरा खत्म करना है, ठीक है। अब ऋषि आपने खाना है, आपने खाना है दलिया खाना है? नहीं, अब ऋषि ने अभी अभी दूध पिया, आज मैंने इसको दलिया नहीं खिलाया, क्योंकि इसको ना बना हुआ नहीं था, तो फिर दूध ही था, मैंने इसको दे दिया था, और अब थोड़ी देर के बाद इसको भी दूंगी, लेकिन ये किसान उसके अंदर मैंने साबूदाना डाला बना हुआ था, वो ही मिक्स कर दिया। ये लो खाओ, ये ना आज जन्नत कह रही है कि मुझे ये वाला नहीं खाना, खाओ ना वो पराठा चाय से, डॉक्टर ने मना किया, अब इसने खाना है पराठा और चाय, और ये दलिया वगैरह इसने नहीं खाना, बस ये देखे इनके अलावा डॉक्टर ने ज़ोंबी खानी है,
इसने जुम्बी खाई थी ना उस दिन, जुम्बी खाई थी और पता नहीं क्या कुछ खाया था, बिस्किट वगैरह। और जुम्बी से इसके पेट में ना इसको फूड पॉइजन हो गया और इसकी भी बेचारी की तबीयत खराब है। और ये देखो जनत, अब ऋषम के सारे दोस्त देख रहे हैं कि अरे जी जनत खा नहीं रही। जनत बहुत अच्छी बच्ची है, आप लोग पता नहीं मजे का है। हाँ ये इतने मजे का दलिया है, ये जबरदस्ती का। अगर जो तुमने चाय पराठा खाया फिर तुम्हें मोशन लग जाएगा ना, ये खाओगी ना सेट हो जाओगी, उसके बाद फिर चाय पराठा खाना ठीक है। दलिया से मजा नहीं आ रहा। हाँ चलो मजे के लिए ना खाओ ना, पेट के लिए खा लो, अगर नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओ।